कड़ाके की ठंड में अगर आपका बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं है और आप चाहते हैं कि कुछ फटाफट बनाया जाए, तो आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस ठंड में खिचड़ी बना सकते हैं। और काली दाल की खिचड़ी सर्दी में बेहद पसंद की जाती है। हमारे साथ हैं अलका भारद्वाज, वो आज आपको बताएंगे कि आप किस तरह से महज 5 मिनट में अपने किचन में गर्मा गर्म काली दाल की खिचड़ी तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे सर्दियों में बनाई जाने वाली खास रेसिपी, उड़द की दाल की खिचड़ी। ये जो स्पेशली हम लोगों की मम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ बनाया करती थी जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके अपने बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद खिचड़ी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी आपको कभी आलस आए, रजाई में से उठने का मन ना हो, तो आप इसे बनाएं और शौक से सब लोग खाते भी हैं। इसे गुड़ के और दही के साथ आप लोग सर्व करें। 3 से 4 लोगों के लिए मैं खिचड़ी बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने काली वाली उड़द की दाल और चावल एक एक पोर्शन, यानी सेम क्वांटिटी चावल और सेम क्वांटिटी ही काली वाली दाल को भिगा दिया है। अगर आप 1 गिलास चावल और दाल मिक्स करके लेंगे तो लगभग 1.5 गिलास उसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे से भिगा देंगे। इसके अलावा हमें चाहिए सरसों का तेल, हींग, नमक, लाल मिर्च और जीरा। सरसों का तेल गर्म रहता है, हम लोग इसे बोलते हैं कि सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, तो स्पेशली ये खिचड़ी भी गर्म रहती है, उड़द की दाल अपने आप में गर्म होती है, तो इसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। जी, सरसों का तेल आपका गर्म हो गया है, इसके अंदर आप डालेंगे लगभग 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी हींग और फिर आप इसके अंदर खिचड़ी डाल देंगे। मसाले डालेंगे, अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च तीखा आप अपने अनुसार ले लें, कितना चटपटा आपको चाहिए, और नमक भी स्वाद के अनुसार आप इसके अंदर डाल लें। खिचड़ी को आपने मिक्स कर लिया है और अब इसको कुकर को बंद कर देंगे। मिक्सिंग गैस के ऊपर इसकी 1 विसिल हम इसमें लगवा देंगे। 1 विसिल में ये सीटी के बाद ये तैयार हो जाएगी, और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी आप देसी घी, गुड़ और दही के साथ सर्व करें। दोस्तों, सीटी लग चुकी है, देखते हैं हमारी खिचड़ी तैयार। गर्मा गर्म खिचड़ी आप देख ली तैयार है, देखिए कितनी खिली खिली खिचड़ी बनी है। एक एक चावल का दाना अलग अलग है, इसे हम निकाल लेंगे और इसे जब आप सर्व करेंगे तो आप प्लेट में से गर्मा गर्म खिचड़ी को सर्व करें। और ऊपर से इसके अंदर घी, देसी घी आप डाल के इस खिचड़ी को गर्मा गर्म खाएं। तो दिखाएं, सबको खिलाएं, साथ में गुड़ दीजिए, दही दीजिए। तो ये तैयार है आपकी काली दाल की खिचड़ी।